इन चार खिलाड़ियों ने किया इंग्लैंड का पत्ता साफ। जी हाँ, इंडिया और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मैच आज खेला जा चुका है, जहां पर भारत ने इंग्लैंड को 106 रन से हराया। पहले वही मुकाबला था जहां पर इंग्लैंड ने भारत को 28 रन से मात दी थी, और अब दूसरे ही मैच में भारत ने इंग्लैंड को 106 रन से हरा के स्कोर को 1-1 की बराबरी पर ला दिया है। इस पूरे मैच में भारत की तरफ से चार खिलाड़ियों की बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखी, जिसमें सबसे पहला खिलाड़ी आता है टीम इंडिया का यंग टैलेंट यशस्वी जायसवाल। अगर मैं जायसवाल के बारे में बात करूं तो पहले टेस्ट मैच में भी इस खिलाड़ी ने अपनी शानदार बल्लेबाजी दिखाई थी, और अब दूसरे टेस्ट मैच में इस खिलाड़ी ने जड़ दिया है दोहरा शतक। जी हाँ, फर्स्ट इनिंग्स में इंग्लैंड के खिलाफ यशस्वी जायसवाल ने 208 रन की एक शानदार पारी खेली, और अगर हम फर्स्ट इनिंग्स की बात करें तो शानदार जो बॉलिंग थी ना, वो थी बूम बूम बुमराह की। बूम बूम बुमराह ने इंग्लैंड के खिलाफ 6 विकेट लिए और अपना बेस्ट टोटल अभी तक का जो है टेस्ट क्रिकेट में वो भी दर्ज किया, क्योंकि इंग्लैंड जैसी एक बहुत बड़ी टीम के आगे इन दोनों ही खिलाड़ियों ने बहुत ही ज्यादा शानदार प्रदर्शन दिखाया। और अगर मैं सेकेंड इनिंग्स की बात करूं तो सेकेंड इनिंग्स में जो बल्लेबाज आते हैं वो आते हैं जी प्रिंस ऑफ टीम इंडिया, यानी कि शुभमन गिल, जिन्हें विराट कोहली का सक्सेसर कहा जाता है। और विराट कोहली ने अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी से भी शुभमन गिल को कंग्रेचुलेट करते हुए कहा कि जो अब नेक्स्ट जेनरेशन है वो तुम्हारे हाथ में है, और देख कर ये लग रहा है कि वो बहुत ही ज्यादा सेफ हैंड्स में है, क्योंकि शुभमन गिल ने बहुत साल के बाद अपना तीसरा शतक जड़ दिया है इस सेकेंड टेस्ट मैच में। और अगर मैं बॉलिंग क्लैन की बात करूं तो रवि अश्विन ने भी अपनी शानदार बॉलिंग दिखाई, क्योंकि उन्होंने भी बहुत ही ज्यादा अहम विकेट ली, जिसमें आते हैं बेन डकेट, ओली पोप और जो रूट। जी हाँ, तीन बहुत बड़े बल्लेबाज इंग्लैंड क्रिकेट टीम की तरफ से जिनका शिकार किया रवि अश्विन ने और कंप्लीट किए अपने 499 विकेट। इस खिलाड़ी के लिए जो थोड़ी सी जो सैड पार्ट है वो ये है कि रवि अश्विन का जो स्कोर है वो 499 विकेट्स है, और वो अपने 500 विकेट्स के माइलस्टोन को कंप्लीट नहीं कर पाए इस टेस्ट मैच में। लेकिन जो बड़ी अपडेट, जो बहुत बड़ी खुशखबरी सारी क्रिकेट फ्रेटर्निटी और सारे इंडियन फैंस के लिए वो ये है कि भारत ने इंग्लैंड को 106 रन से हरा दिया है, और अब जो ये सीरीज है ये 1-1 से टाई हो गई है। इसका तीसरा टेस्ट मैच 15 फरवरी से राजकोट में खेला जाएगा, जहां पर हम सबकी आशा यही है और हमें पता है कि रवि अश्विन अपने इस माइलस्टोन को कंप्लीट कर लेंगे। आप सबका इन चार बड़े खिलाड़ियों के बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके बताएं, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए फॉलो कीजिए क्रिकेट कांची को।